नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले, आपको पता है यहाँ पे युवराज सिंह ने काफी कुछ किया है टीम इंडिया के लिए। और दोस्तों वो युवराज सिंह ही थे जिनने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे, मगर दोस्तों फिलहाल उनको यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही थी कुछ दिन पहले, और इसी के कारण दोस्तों वहाँ पे जबरन उनको संन्यास लेना पड़ा था। मगर मैं आपको बता दूं, संन्यास लेने के बाद वो यहाँ पे ग्लोबल T20 मैच में शामिल हो गए थे। कनाडा में उन्होंने यहाँ पे ग्लोबल T20 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। और दोस्तों मगर यार दुख की मतलब बात ये रही है कि उनकी टीम यहाँ पे इस ग्लोबल T20 मैच को फाइनल को नहीं जीत पाई है, और यहाँ पे दोस्तों इसको हार का सामना करना पड़ा है। मगर दोस्तों युवराज सिंह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आपको पता यार इसी टीम में किया है, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने यहाँ पे बैटिंग की है, तो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे अभी भी खबर सामने सुनने में ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे दिग्गज बल्लेबाज सिक्सर किंग युवराज सिंह यहाँ पे दोस्तों अभी फिलहाल ग्लोबल T20 के बाद में कनाडा के बाद में यहाँ पे बांग्लादेश टीम की तरफ से आपके खेलते हुए दिख सकते हैं, ऐसा कुछ सूत्रों के से माध्यम से यहाँ पे सुनने में आ रहा है। और दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, और दोस्तों आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे आपको बताना था कि युवराज सिंह आने वाले टाइम में आपको बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों पूरा कंफर्म नहीं है, आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना क्या युवराज सिंह को बांग्लादेश की तरफ से टीम में दोस्तों मैच खेलना चाहिए या फिर दोस्तों नहीं खेलना चाहिए, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो फटाफट यार वीडियो के ठीक नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आता है उसको दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप युवराज सिंह को महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दोस्तों देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।